डिटेक्टिव कॉमिक्स ने लास्ट ईयर डार्क नाइट मेटल्स नाम की एक सीरीज पब्लिश की, जिसमें बैटमैन के कई इविल वर्जन्स दिखाए गए। आज हम बात करने वाले हैं रेड डेथ के ओरिजिन के बारे में, जो कि इन्हीं इविल वर्जन्स में से एक है। कॉमिक शुरू करने से पहले डार्क नाइट मेटल्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। डिटेक्टिव कॉमिक्स के हर मल्टीवर्स में 52 अर्थ्स पाए जाते हैं, लेकिन इन मल्टीवर्स की असल तादाद आज तक किसी को मालूम नहीं है। डार्क नाइट मेटल्स में डीसी ने अपनी ऑडियंस को इन अर्थ्स के बारे में बताया है, जहां के बैटमैन के साथ हमारी सोच से भी ज़्यादा बुरा हो चुका है, और इसी वजह से वो बैटमैन एक इविल क्रीचर में बदल गए। तो अब चलते हैं रेड डेथ के ओरिजिन की तरफ। सो लेट्स नो योर कॉमिक्स। कहानी अर्थ 52 के फ्लैश से शुरू होती है, जो कि किसी शख्स से बचकर भाग रहा है, और वो शख्स फ्लैश पर आइस, फायर, लाइटनिंग और ऐसी चीज़ों से हमला कर रहा है। यहाँ किसी भी फ्लैश के फैन को ये लगेगा कि वो हमला और कोई नहीं बल्कि रोग कर रहा है, मगर ये रोग नहीं पर इस अर्थ का बैटमैन है, जो कि रोग के तमाम वेपन्स यूज़ करते हुए फ्लैश पर हमला कर रहा है। बैटमैन फ्लैश पर हमला सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि किसी तरह फ्लैश बैटमैन को स्पीड फोर्स का पूरा कंट्रोल सौंप दे, और बैटमैन स्पीड फोर्स के ज़रिए बैट फैमिली के तमाम मेंबर्स को दोबारा ज़िंदा कर सके। दोस्तों, बैटमैन एक बहुत ही लॉजिकल और मास्टरमाइंड कैरेक्टर है, जो कि अपने प्लान्स के बीच में इमोशंस को कभी आने नहीं देता। लेकिन डार्क नाइट मेटल्स की इस सीरीज़ में यहाँ दिखाया गया है कि हर बैटमैन इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर लेता है, और सिर्फ अपने इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है, और इस हद तक जा सकता है कि वो अपने टीममेट्स यानी जस्टिस लीग के तमाम मेंबर्स की जान का दुश्मन बन जाए। और फ्लैश पॉइंट के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फ्लैश बैटमैन को स्पीड फोर्स नहीं दे रहा होता। बैटमैन किसी तरह फ्लैश पर मिस्टर फ्रीज का बनाया हुआ फ्रीजिंग फार्मूला इंजेक्ट कर देता है। ऐसा करने पर बैटमैन को इतना वक्त मिल जाता है कि वो फ्लैश को बैटमोबाइल के साथ बांध सके। दोस्तों, बैटमैन ने बैटमोबाइल के साथ एक रीप्रोग्राम्ड ट्रेडमिल अटैच की हुई है, जिसके ज़रिए वो फ्लैश की स्पीड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और इसी दौरान स्पीड फोर्स का गेट खुलता है और वो दोनों इसमें पहुंच जाते हैं। इस सब के बाद कहानी पहुंच जाती है गॉथम सिटी में, जहां स्केयरक्रो किसी कपल को टेरराइज कर रहा है। लेकिन अचानक यहां एक नया हीरो या शायद विलन नज़र आता है। इसके चेस्ट पर सिंबल तो बैटमैन का है, लेकिन उसके बीच में एक लाइटनिंग का निशान है। हाँ, ये रेड डेथ है। रेड डेथ आते ही स्केयरक्रो को एक ऐसा मुक्का मारता है जिससे उसकी बॉडी दो टुकड़ों में बट जाती है। इसके बाद वो बैटमैन की एनिमीज जैसे कि पेंगुइन, रिडलर और मैन बैट की जान ले लेता है। इस दौरान उसे महसूस होता है कि उसकी दुनिया तबाह हो रही है और वो इस दुनिया को बचा नहीं सकेगा। इसी वक्त इसके अंदर से एक आवाज़ आती है जो इसे कहती है, हमारे वर्ल्ड्स हमेशा से तबाह होने के लिए ही बने थे और यही नेचर का असूल है। तुम खुद इसे महसूस कर सकते हो, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो रहा है। इस पर रेड डेथ कहता है, बताओ मुझे, ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि बैटमैन हु लाफ्स की है। दोस्तों, हमने इस साइको बैटमैन के ओरिजिन पर भी एक वीडियो बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर इस कार्ड पर क्लिक करें। यहाँ बैटमैन हु लाफ्स रेड डेथ को अर्थ ज़ीरो पर टेलीपोर्ट कर देता है, और यहाँ रेड डेथ फ्लैश के तमाम फैमिली और फ्रेंड्स को टेरोराइज करता नज़र आता है, जैसे कि आयरस। इसी दौरान अर्थ ज़ीरो का फ्लैश वहाँ पहुँच जाता है, और रेड डेथ और फ्लैश के दरमियान एक बहुत खूबसूरत स्टैंड ऑफ होने ही वाला होता है कि डॉक्टर फेट फ्लैश को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है।
इस पर रेड डेथ कहता है, ये तुम्हें बचा नहीं सकता, हम फिर मिलेंगे। फ्लैश, मैं सेंट्रल सिटी को ऐसा बना दूंगा जैसा मेरा घर बन चुका है और अपने गौतम को बचा लूंगा। तो दोस्तों, ये था ओरिजिन रेड डेथ का। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और 3 लोगों के साथ शेयर करें और उनको कहें कि वो आगे 3 लोगों के साथ शेयर करें। उस सब्सक्राइब वाले बटन को टच करके लाल से ग्रे कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।